हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं अनंत व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शेयर करेंगे आप सभी से मेरा सुबह से लेकर शाम तक का क्या क्या रहता है रूटीन। तो चलो, आई वजह सुबह के 5 बजे जाना है स्विमिंग क्लास में, हो चुका हूँ लेट। तो चलो फटाक से होते हैं तैयार और निकलते हैं स्विमिंग क्लास के लिए। मैं आज आपको दिखाऊंगा मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करता हूँ। तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए हम हो चुके हैं रेडी, हम चलते हैं हमारे स्विमिंग पूल। बट यहाँ से मेरे घर से स्विमिंग पूल सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, तो हम फटाक से पहुँच जाएंगे स्विमिंग पूल। तो चलते हैं जल्दी स्विमिंग पूल, क्योंकि हम पहले हो चुके हैं लेट। तो जल्दी निकलते हैं घर से। तो हमारा स्विमिंग क्लास खत्म हो गया दोस्तों। अभी हम निकलेंगे घर के लिए, फिर हम निकलेंगे वहाँ से कोचिंग देने के लिए स्विमिंग का। तो चले, आज अच्छा लगा स्विमिंग करके, बॉडी पूरा रिलैक्स हो गया, बट बॉडी मेरा थोड़ा पेन कर रहा है। तो चलिए चलते हैं हम फटाक से तैयार होकर घर। हमें जाना है फिर बच्चों को स्विमिंग का कोचिंग देने के लिए। तो चलो मिलते हैं। तो अभी मैं निकल जाता हूँ तैयार होकर, जहाँ देते हैं बच्चों को ट्रेनिंग डिपस स्कूल। तो चलो अभी 8 बजने वाले हैं, तो निकलते हैं हम डिपस स्कूल के लिए। फिर हम आ जाते हैं नाश्ता खाने के लिए, क्योंकि हमारे जो सर है बोलते चलो आज नाश्ता खा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सर भी हमें स्विमिंग कराते हैं। फिर हम आ जाते हैं स्कूल, तो हम पहले नाश्ता करते हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं हमारे दूसरे स्विमिंग पूल, जहाँ देते हैं बच्चों लोगों को ट्रेनिंग। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पर मैंने पहले गाड़ी खड़ा करा, रहे हमारे ऑफिस के सर लोग हैं। तो चलते हैं हम पूरी तरह, देखते हैं कोई आया कि नहीं आया, क्योंकि यार मुझे आने में हर जगह हो जाता है लेट, क्योंकि मैं हर जगह कंटिन्यू करता हूँ, इसलिए मुझे होता है लेट। तो ये देखो यहाँ भी आ चुके हैं। तो चलिए पढ़ा सा रखते हैं और हम सिखाते हैं स्विमिंग। तो चलो स्टार्ट। तो अभी मेरा यहाँ ख़त्म हो गया क्लास, स्विमिंग क्लास। यहाँ मेरा क्लास रहता है 1 घंटे का। तो पहले हमने सुबह उठा, फिर मैंने सुबह ले गया डीपीएस। मैं निकला था घर से 7:40 को, 8 से 10 था डीपीएस मेरा। फिर वहाँ से 8 से 10 करके फिर हम चले गए थे नाश्ता खाने के लिए सर के साथ। फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ था हमारा क्लास 1 घंटा। अब इसके बाद हमारे सर यहाँ के मैनेजर सर, तो मिल सकते हैं सर से यहाँ के, यहाँ ये सब देखते हैं यहाँ के मैनेजर सर। फिर यहाँ पर हम आएँगे शाम को, यहाँ पर हम आएँगे 6 बजे, 6 से रहेंगे 7:30 तक। तो चलते हैं सर, बाय। तो हम अपना क्लास खत्म करते हैं, हम पहुंच जाते हैं शिव जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान का, जो क्योंकि हमें सब भगवान का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। तो हम अपनी क्लास और हम अपना काम खत्म करके पहुंच जाते हैं मंदिर शिव जी के पास। तो हमने वहां पूजा किया, तो फिर चलते हैं मंदिर बंद करके घर, क्योंकि मैं हमेशा अपने काम खत्म करने पर आता हूं मंदिर, फिर यहां से मैं निकलता हूं घर। तो चलो चलते हैं घर। जय माता दी, जय गौ माता, जय बजरंग। तो अभी हम आ चुके हैं घर। तो अभी मुझे लगी भूख, अभी बज रहा है 1। तो घर आते आते मुझे रहता है 1, तो मुझे लगी भूख, क्योंकि सुबह तो मैं नाश्ता खा के जाता नहीं हूँ, खाली पड़ जाता हूँ।
कभी कभार खा लिया तो खा लिया बाहर, वरना नहीं। आज मैंने बाहर खा लिया तो मुझे भूख कम लग रही थी, अभी वजह सुबह के एक। तो अभी देखते हैं क्या बना है। ये देखो मम्मी ने बनाया चना, तो चना खाते हैं और दाल चावल खाते हैं, तो चलो खाना खाते हैं। कपिल का देखो दोस्तों, ये हेडफोन मंगाया, बड़ा आदमी है ना, पैसा वाला आदमी है, हेडफोन मंगाया बड़ा आदमी भाई। हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कपिल ने मंगाया बड़ा अपने लिए हेडफोन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं दे सकते, ये बड़ा आदमी भाई, बड़ा बड़ा आदमी है भाई। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं अनबॉक्सिंग कर रहा है एप्पल का, देख सकते हैं। ये देखिए इसका रोल, इसका देखिए जलवा, इसका ये देखिए दोस्तों इसका जलवा है। कुछ ना कुछ मंगाते रहता है कभी ना कभी। वो गॉड जलवा बोल्ड ऑडियो, वो माय गॉड जलवा है। चलो हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं फटाफट। तो अभी मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि एक घंटा वर्कआउट करना है मुझे, क्योंकि वर्कआउट के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। तो ले देखिए वर्कआउट मैं करता हूँ कैसे भी, तो अभी चलते हैं वर्कआउट करते हैं एक घंटा, फिर हम निकलना है स्विमिंग पूल, फिर जाना है बच्चे को कोचिंग देने के लिए। तो अभी वर्कआउट करते हैं एक घंटा, अभी हम अभी है हमारे पास, तो एक घंटा वर्कआउट करेंगे। तो चलो तो दिखाता हूँ मैं वर्कआउट कहाँ करता हूँ। मैं अभी तो बाहर ही करता था, मैं पहले भी बाहर ही करता था आउटसाइड ही। घर में मैं करता हूँ कभी कभी, जब पानी गिरता है तो मैं घर में करता हूँ, और अदरवाइज मैं बाहर ही करता हूँ जहाँ मुझे मिल जाए पकड़ने के लिए। पहले मैंने जिम स्टार्ट किया था, फिर मैंने जिम छोड़ दिया कुछ कारणों के कारण। तो चलो अब करते हैं हमारा वर्कआउट स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट, मैं आ चुका हूँ वर्कआउट प्लेस पे। तो चलो चलते हैं वर्कआउट करते हैं दोस्तों। मैं ये सब डेली करता हूँ, तो चलो यार एक घंटा बाद होने वाला है। मैं ये मानता हूँ कि वर्कआउट सबको करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट करने से आप हेल्दी रहते हो। तो चलो हमारा टाइम हो जाएगा स्विमिंग, जाते हैं घर, होते हैं फ्रेश फ्रेश, निकलते हैं अपने काम में। तो चलो अभी मैं निकल चुका हूँ मेरा स्विमिंग क्लास के लिए। मेरा स्विमिंग क्लास 6 बजे रहता है, तो मैं मोस्टली घर से निकल जाता हूँ 5:20 का, क्योंकि मुझे यहाँ से साइकिल में जाने को लगता है 20 से 25 मिनट। तो मैं निकल चुका हूँ साइकिल से, मैं ऐसा हमेशा नहीं जाता हूँ साइकिल से ही, तो मुझे भी लगेगा कम से कम 20 से 25 मिनट साइकिल से। तो चलते हैं वहाँ, मेरा 1 घंटे का स्विमिंग क्लास है, हम 1 घंटे स्विमिंग क्लास दे के 8 बजे निकल जाएंगे वहाँ से, फिर हम यहाँ घर पहुँच जाएंगे 8 बजे तक। तो चलते हैं, टाइम हो रहा है। तो ये था मेरा सुबह से लेकर, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक आपका भाई रहता है बिजी, मतलब बिजी मतलब काम हम करते रहता है अपना। सुबह खुद का प्रैक्टिस करना, फिर बच्चों लोगों को ट्रेनिंग देना, फिर खुद करना, फिर खाना, इधर उधर जाना, फिर जाना ट्रेनिंग देने। तो सुबह से शाम तक मेरा यही रहता है, लोगों को सिखाना और खुद करना और थोड़ा बहुत पढ़ाई करना बस। ज़्यादा तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, बट जितना होता उतना मैं पढ़ता हूँ। और सुबह मैं उठता हूँ 5 बजे और सोता हूँ 10:30 कभी कभी,
तो आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग सुबह शाम तक क्या करते हो और आप लोग कितने बजे सोते हो, ये जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। मैं मोस्टली 10 बजे तक सो जाता हूँ, कभी कभी 10:30, कभी 11, बट हमेशा 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग क्या करते हो दिन भर में, मैं भी देखूँ कि आप लोग क्या करते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।